नमस्कार। आज कर्नाटक सरकार ने चंदन के खेती के लिए कुछ नियमों का बदलाव किया है। अब आप चंदन के पेड़ लगा सकते हैं, उनका सेल कर सकते हैं, उस पर पाबंदी हटा दी गई है। यह फैसला बढ़ते हुए डिमांड को लेकर किया गया है। आपको पता है कि चंदन औषधियों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो भी सौंदर्य के सामान हैं, पूजा इत्यादि अन्य जगहों पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में यूज होता है। इसकी एक अलग ही महत्ता है। मेरे सामने एक आप छोटा सा चंदन का पेड़ देख सकते हैं। चंदन के पेड़ की ग्रोथ काफ़ी धीमे होती है। यह आप जो पौधे देख रहे हैं, ये 7 वर्ष से ऊपर के हैं। इनको मैच्योर होने में 20 वर्षों तक का समय लगता है, तब जाकर इसके अंदर जो भी सुगंध है, इनकी गुणवत्ता है, आती है। कर्नाटक में सैंडलवुड नाम से यहाँ का फिल्म जगत भी जाना जाता है। यहीं पर कर्नाटक में ही और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे वीरप्पन अपना अवैध कारोबार करता था। यहाँ पे चंदन के पेड़ों के ऊपर एक नंबरिंग सिस्टम दे दिया गया है, ताकि इनके काउंट किया जा सके। देखिए, चारों तरफ आपको नंबरिंग सिस्टम दिखाई देगा वृक्षों पे। इनके तनों पे ये नंबरिंग किया हुआ है, 28 पीछे भी नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सारे छोटे से एरिया में एक लगाया गया है। इनको ग्रो होने में टाइम लगेगा। इनका पर्पज इस फॉरेस्ट एरिया में लगाकर डिस्प्ले के लिए ही है। इनको सेल करने या ऐसा कोई इनका औद्योगिक यूज के लिए नहीं लगाया गया है। चंदन के वृक्ष के अलावा भी बहुत सारे अन्य वृक्ष इस फॉरेस्ट एरिया में लगे हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला पेड़ कितना ऊंचा है। फ्रेंड्स, ये सारे सैपलिंग जो आप देख रहे हैं, इनका जून से सेलिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे सभी सारे अर्जुना, महागुनी फ्रूट्स, यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। ये पूरा भर जाएगा यहाँ पे। ये शहर के बीच में एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया है। अगर जो कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी प्लांट, तो यहाँ पे पहले एक रिक्वेस्ट देना रहता है। जो भी रिक्वेस्ट आप देंगे, उसमें वो आपको टाइम बता देंगे कि इतने दिन में आपको ये प्लांट रेडी हो जाएगा, तब आप आकर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट रेट पे मिलता है। गवर्नमेंट रेट अगर जो यहाँ पे आपको 30 रुपये 40 रुपये का मिलता है, यही चीज़ बाहर 100 रुपये से ऊपर का मिलेगा। आप नर्सरी में जाते होंगे, आपको पता ही होगा कि प्लांट्स का, सैपलिंग्स का क्या रेट रहता है।
सभी तरह के प्लांट्स यहाँ पे हैं। मुख्यतः यहाँ पे बड़े प्लांट्स का सैपलिंग मिलता है, पौधे मिलते हैं। ये बेंगलोर के बिल्कुल हार्ट में है, यानी बोले तो शहर के बीचों बीच में है। यहाँ पे आसपास में टेक्नोलॉजी पार्क्स और बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ऐसे में शहर के बीच में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा एरिया है ये, लेकिन काफ़ी काम का है। देखिए आपके चारों तरफ काफ़ी पुराने पुराने बड़े बड़े ट्रीज हैं, कुछ इसमें फलदार वृक्ष भी हैं, कुछ जंगली पौधे हैं। सारे के नाम तो मुझे नहीं पता, पर अगर जो आप देख के समझ सकते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये मेरे एक सामने कोई फलदार वृक्ष है, चीकू या सपोटा जैसा दिख रहा है ये। इसका कोई फल गिरा हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फल तो मुझे मिला एक। काफ़ी ये लसलसापन लिए हुए हैं, क्या चीज़ है मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। गोद भी हो सकता है। इसको मैं ले चलता हूँ, चेक करता हूँ क्या चीज़ है ये। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे वृक्ष हैं, काफ़ी घना एरिया है ये। कुछ साल पहले मैं आया था तो ये पेड़ काफ़ी छोटे छोटे थे, करीब आधे से भी कम हाइट के थे वो। कुछ इसके पेड़ बड़े थे, लेकिन कुछ बहुत सारे पेड़ इसके आधे से भी कम हाइट के थे। बेड तैयार मारता है इधर, बेड तैयार मारता है इधर, बेड। क्या लगेगा इसमें, क्या लगेगा इसमें? यो मीटर। अच्छा, ये सैपलिंग। अच्छा, जून तक सेल, जून तक सेल, जून सेल मार। जून जुलाई, जून जुलाई में चेना की थे। धन्यवाद। इस साइड में आप छोटे पौधे देख सकते हैं और धीरे धीरे ये बड़े बड़े पौधे हैं। सामने पीपल का पौधा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। धीरे धीरे साइज इनका बड़ा होता गया है। जैसे जैसे इनका साइज बड़ा होता है, इसको बड़े बैग में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे।
ये कर्नाटका स्टेट फॉरेस्ट है। आप मेरे सामने रोड देख सकते हैं, ये रोड फॉरेस्ट का ही है, मेन रोड की तरफ जाता है। दूसरी तरफ ये रोड है जहाँ से मैं आया हुआ हूँ। पूरा लगभग ये 1 किलोमीटर से ऊपर का रोड है। इसके दोनों तरफ घने घने वृक्षों से बना हुआ जंगल।